5.3 क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक, उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस आता है? सबसे पहले सवाल में आप देखें मिक्स फ्रैक्शन आ गई बड़ी वैल्यूज़ के साथ, उसमें भी सेम मेथड है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है? ऐड किस तरह से, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, वही जो आपने पहले मेथड सीखा हुआ है। छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, अगर बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आप 625 को रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना 3 से तो नीचे रखेंगे 3, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 ऐड करेंगे 7, 6 3 जार 18, 1875 आ गया, 1875 में 526 को ऐड कर देंगे, इसको बहुत केयरफुली ऐड करेंगे, हमारे पास जब आंसर आएगा उसे आप ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा, क्योंकि हम फिर पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, ऊपर वाली वैल्यू को सेपरेटली, नीचे वाली वैल्यू को सेपरेटली, हमने दोनों को सेम मेथड से अगेन सॉल्व करना है। पेयरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, एक 01 का पेयर बन गया, एक 24 का, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, अब 25 बड़ा नंबर है और 24 वैल्यू छोटी है, हम पीछे आ जाएंगे, 5 से पीछे 4 पे, 4 4s are 16, माइनस किया 8, अब आपने 4 और 4 को ऐड करके बाहर लिख दिया, अब आप ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट पे 1 आता है, एक तो 1 1s are 1 होता है, लेकिन अगर मैं 8 के साथ 1 रखती हूँ तो वो 81 बन जाता है, मुझे 801 चाहिए, एक और नंबर है जिसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो लास्ट पे 1 बचता है, विच इज़ 8 9 9s are 81, अगर आप 8 के साथ 9 को रखेंगे तो 9 9s are 81, 8 कैरी, मजीद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 801 आ जाएगा, वो 801 मैं नीचे रखूँगी, ये मेरा पूरा डिवाइड हो गया, अब याद रखिएगा अगर ये पूरा किसी सूरत में डिवाइड नहीं होता इसका मतलब है हमारे प्रीवियस स्टेप्स में कोई मिस्टेक की गई है, हमने उसको जाके फाइंड आउट करना है, आपका कभी भी नीचे से तब तक गलत नहीं होगा जब तक कि वो हमें खुद ना कह दे कि क्या, या हमसे कोई सवाल ना कर ले क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है या इस तरह से, अब वो हमें खुद बता रहा है कि ये परफेक्ट इनके स्क्वायर रूट निकलेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हमने क्या करना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्रीवियस स्टेप्स को जाके आपने चेक कर लेना है, सेम एज इट इज़ हम नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ करेंगे, वो 3 डिजिट नंबर है, आपने पेयरिंग की, एक पेयर बन गया और एक इंडिपेंडेंट डिजिट बच गया, 2 2s are 4, माइनस किया 2, लास्ट पेयर नीचे उतारा, अब 2 और 2 को प्लस करके 4 आ गया, अगेन देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट डिजिट 5 है, 5 ही होता है, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, वहाँ पर भी, दोनों को 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, जब आप आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो तो 2401 के अगेंस्ट 49 आ रहा है तो 49 ऊपर जाएगा, 625 की जगह 25 आ रहा है तो आपने 25 को नीचे लिखना है, अब ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपने न्यूमिरेटर को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, सिंपल डिवीजन करनी है विद रिमाइंडर, पॉइंट्स के साथ नहीं रिमाइंडर के साथ, और फिर आपने उसको सिंपल इस तरह से लिख देना है, ठीक है? अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल में मैंने आपसे पहले एक डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस में कि अगर आपके पास जीरो के पेयर्स बने तो हम क्या करें, अगर इस सवाल में देखा जाए तो ऊपर वाली वैल्यू तो सिंपल है, 4 डिजिट का सवाल है, आपने उसको पेयरिंग के साथ सॉल्व किया, इजीली आंसर आ जाएगा, उसमें ऐसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, दूसरा सवाल मैं देखूं तो मेरे पास 40,000 आता है, मैंने पेयरिंग स्टार्ट की राइट हैंड साइड से, एक ये जीरो का पेयर बन गया, एक ये जीरो का पेयर बन गया, 4 इंडिपेंडेंट था, 1 1s are 1 2 2s are 4, डेफिनेटली मैं यहाँ पर 2 रखूँगी, 2 2s are 4, क्वेश्चन खत्म हो गया, अब जीरो आ गए, 2 पेयर हैं जीरो के तो आप ऊपर 2 जीरोस लगा देंगे, अगर 3 पेयर होते तो आप ऊपर 3 जीरोस लगा देते, जितने मेरे पास पेयर होंगे मैं उतने जीरोस ऊपर लगाऊंगी, आंसर नीचे लिखूंगी जिस तरह से हमें गिवन है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के अगेंस्ट जो आंसर आ रहा है वो ऊपर, नीचे वाली वैल्यू के अगेंस्ट जो आंसर आ रहा है उसे हम नीचे लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, मिक्स फ्रैक्शन में है, आपने पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है, वो किस तरह से करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमिरेटर को ऐड कर देंगे, न्यूमिरेटर ऐड करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू बनेगी सेपरेटली हमने उसको सॉल्व करना है, अगर वो पेयरिंग के बाद उसमें जीरो आते हैं तो जीरो अलग से ऊपर आ जाएगा, अगर वो डिजिट्स जीरो से बड़े हैं तो आपने उसको वही मेथड राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है और उसके बाद उसको फर्दर उसी मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, अगर आपका न्यूमिरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर आप उसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, उसको चेंज करने का मेथड आपको फिर दोबारा बता रही हूँ कि आपने उसको डिवीजन के थ्रू मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, न्यूमिरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और इस तरह से फिर आप इसका आंसर निकाल लेंगे।